परमेश्वर पिता की संतान है, हम उस राजाओं के राजा के बेटे हैं। जब हम राजाओं के राजा के बेटे हैं तो भाई हमसे बड़ा कौन हो सकता है? कोई है जो हमें धमका सकता है, डरवा सकता है? कोई नहीं। अगर राजा के राजा का कोई बेटा है, अगर राजा का बेटा कहीं अपने राज्य में निकलता है तो उसको डरवाने वाला कोई राज्य में पैदा होगा? क्यों? क्योंकि वह तो खुद डरवाने वाला है। तो भाई हम क्यों डरते हैं अपने डरवाने वाले से? अपने डरने वालों से क्यों डरते हैं? हमें क्या करना चाहिए? उनके ऊपर हुकुम करना चाहिए, हुकूमत करना चाहिए। जैसा प्रभु ने अधिकार दिया कि मैं तुझे क्या देता हूं, सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रुओं के सारी सामर्थ पे अधिकार। शत्रु वो कौन सा है? शैतान को कहा गया है। शैतान की जितनी ताकतें हैं उनके ऊपर अधिकार देता है कि तू अपने पैरों तले उन्हें रौंद डालेगा। मैं ऐसा अधिकार देता हूं। लेकिन आज तक हम अज्ञानता में रहे और उनसे डरते रहे, और वह शक्तियां ही हमसे प्रबल हो गई, हम पे प्रबल होकर हमें नुकसान देती रही। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? वह दिखाता है, अरे तेरा अधिकार वो नहीं है, तेरा अधिकार तो इतना है कि तुम्हें तो मैं इस संसार का अधिकारी बनाया हूं। तुम्हें किसी से डरना नहीं है, तुम्हें निडर होकर रहना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। मैं तेरा पिता हूं, तुम मेरी संतान हो। तो सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाता है, उस दिन हमारे पिता का आशीष और प्यार हमारे ऊपर उतरने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, सन 2014 की गवाही है। मैं उस समय बुलंदी कलेशिया में था, वहीं पे प्रभु की सेवकाई और महिमा कर रहा था। वहां पे मैं प्रभु के वचन को सुना रहा था। उस समय की बात है कि शैतान ने मेरे अंदर भी भय उत्पन्न करना चाहा, कि प्रभु के पास आया तो सारा भय समाप्त हो गया। जो मैं कहीं जाता था मुझे डर लगता था, अरे वही जब उतवा वही पकड़ ले, वो तो सब कुछ खत्म। मैं बिंदा जब प्रभु को पाया तो प्रभु ने पहला काम क्या किया मेरे अंदर से, वो डर ही खत्म कर दिया। मैं बिंदास कहीं जाता था प्रभु का नाम लेते हुए गुनगुनाते हुए भजन गाते हुए चला जाता था, किसी के पास हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे पास आ जाए। हालेलुया। आपको एक चीज बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। उस समय जब मैं निडर हो गया था ना, तो मैं रात में या शाम के मेला अकेले में अगर कहीं सुनसान जगहों से गुजरता था ना, और प्रभु के नाम लेते हुए गुजरता था, तो जितनी शैतानी आत्मा रहती थी वह क्या होती थी कि वह दूर दूर खड़ा होकर मुझे देखती थी और कतरा कतरा कर निकलती थी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से दृष्टि करता था। उन दुष्ट आत्माओं को मैं अपनी आंखों से देखता था कि वो भाग रही है। इतनी ही बातें नहीं, जिनके प्रति मैं श्रद्धा रखता था जीवन भर, मेरे पूर्वज से लेकर मेरे दादा से लेकर मेरे पिता से लेकर मुझ तक जिसके प्रति श्रद्धा हम रखते थे, जब हम प्रभु के प्रार्थना करने लगे, प्रभु में जब निडर हो गए, तो वह सारी शक्तियां क्या करते थे? हमारे सामने आकर हमें डराने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं धिक्कार कर भगाता था, ये दुष्ट मेरे सामने से दूर हट जा, क्योंकि यीशु मसीह मुझे मिल गया। हालेलुया। जिसका दर्शन पाने के लिए हम हाथ जोड़ कर बैठते थे कि हमके दर्शन में जब तृप्त हो जाए, उनका कभी नहीं मिला। सब कुछ खिलाते पिलाते दिखाते में कुछ कभी नहीं मिला, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पा गए, अपने जीवन में जब ग्रहण कर लिए, उसके बाद सब लाइन पे लाइन लगाकर सामने आने लगी कि भैया देख हम आ रहे हैं। मैं क्या कहता था? यीशु मसीह की संतान है, तू दूर हट जाने जलकर खाक हो जाएगी। हालेलुया। एक बार की घटना की बातें मैं बता रहा हूँ कि जब शैतान ने सब कुछ देख लिया कि कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, मेरे अंदर भय नहीं उत्पन्न कर रहा है, उसने क्या किया? मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है, उनका एक छोटा सा बेटा था जो 7-8 महीने का बेटा, उसको क्या कर लिया? कब्जा में कर लिया, यानी कि उसको बीमार कर दिया, बीमारियां बढ़ाता गया। प्रार्थना होती थी, थोड़ी बहुत आराम होता था, और फिर चालू क्या होता था? उसका मुंह पेट
यानी उल्टी दस्त दोनों एक, यानी सब कुछ जो है कि पछता नहीं था, कुछ मुंह में जाते हुए देरी नहीं होता था, वह टट्टी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, मुख के रास्ते से बाहर। प्रार्थना करते करते हम हैरान हो गए, प्रार्थना का जब तक प्रभाव रहता था तब तक थोड़ा बहुत आराम फिर चालू, पेट में कुछ था भी नहीं तब भी वह जो है कि उल्टी करता था, दस्त हो जाता था। फिर क्या होता था कि मजबूर हो गए, पिताजी बोले मुझसे कि भाई अब थोड़ा डॉक्टर को बुलाकर दिखा दो। मैं कहा कि डॉक्टर से ये ठीक नहीं होगा, जब भी ठीक होगा प्रार्थना से। लेकिन उनकी इच्छा को मैं रखने के लिए डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर दवा दिया, एक दिन दो दिन तीन दिन हो गया, वो हर तरह की दवा चला रहे हैं, कोई आराम नहीं। डॉक्टर सर पे हाथ रख लिया, भैया मैंने हार्ट से हार्ट दवा इसको दे दिया, बच्चों की जो होती है इसको कोई काम नहीं कर रही है। एक दिन की बात है, उसकी हालात बहुत खराब हो गई थी। ये गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, गेहूं काटने के लायक हो गया था, और शाम का समय 3 बजे के बाद का समय, लगभग 4-4:30 बजे का समय था, 5 बज रहा था इसी के आसपास में। हम सब जो कि पूरे परिवार सभी भाई बहन, हमारी भाभी और लोग जो है कि खेत में गए थे कटैया करने के लिए, गेहूं काटने के लिए। और जिस भाभी का लड़का बीमार था वो घर पे थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी, और पिताजी घर पे थे। और हम सब जब वहां पे चले गए और खेत में काम कर रहे हैं, तब तक इधर क्या हुआ, शैतान मौका पाया और उस बच्चे की हालात और गंभीर कर दी, और ऐसा गंभीर कर दिया कि उसकी सांस धीरे धीरे रुकना चालू हो गई, और धीरे धीरे सांस जो है कि रुक जाती है, और मेरी भाभी उसको गोद में लेकर चिल्लाना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही थी, उसके हाथ झुल गए, मुंडी झुल गई, आंख उलट गई। सर पे जो बच्चों का होता है ना सांस चलती है तो यहाँ पे मालूम होता है, हमेशा यहाँ का उठता है, तो वो भी क्या हुआ कि लगभग आधा इंच भीतर हो गया, सब कुछ काम खत्म। और देखी तो चिल्लाना चालू कर दी, रोना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि शैतान ने ऐसा करके उनके अंदर भय उत्पन्न कर दिया, और भय के कारण उनको लगा मेरा बेटा मर गया, और वो चिल्लाना चालू हो गई। पिताजी सुने उसकी चिल्लाहट को, दौड़े भागी गए, बोला कि क्या हुआ, वो बोल ही नहीं पा रही है, रोने के अलावा बोल ही नहीं पा रही है। पिताजी देखे उसकी हालात को, उसके उसके हाथ को जब छूते, उसकी नली को देखते नली नहीं चल रही है, उसकी मुंडी को हिलाते कुछ नहीं मालूम हो रहा है, आंख उल्टी हुई है, आंख पे जो है कि हाथ मार रहे हैं, आंख का पलक गिर ही नहीं रहा है। उसकी सारी पोजीशन को देखा, वो भी समझ गए कि ये खत्म हो गया। और एक दूसरी भाभी का बेटा जो थोड़ा सा सयाना था, उससे संदेशा भिजवा दिया कि जाकर लोगों को बुला लाओ, देखो वह जो कि उसकी हालात बहुत गंभीर। और पिताजी उसको भेजने के बाद दरवाजे के सामने खड़े हैं, मुड़ी लटका कर उदास होकर खड़े हैं, और उनकी आंखों से आंसू छलक रहा है, वह उदास होकर खड़े हैं। तब तक जब हमारे पास संदेशा जाता है, हम दौड़े भागे आते हैं घर पे, सभी लोग अपना काम छोड़कर दौड़े भागे घर पे आते हैं। और जब घर पे आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि पिताजी मुंह लटकाए हुए, रोने के जैसा चेहरा था, आंख में आंसू जो है कि छलका हुआ। जब वो देखा हमने तो पूछा कि नहीं भाई क्या हुआ, पिताजी के अंदर ऐसा दुख आ गया, वो शैतान ने ऐसा जो कि घटना घटाकर ऐसा तकलीफें उत्पन्न कर दिया, उनके जुबान से आवाज नहीं निकल रहे हैं, वो क्या पूछने पे क्या कह रहे हैं, बस मुंडी हिला रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि वो अब जिंदा नहीं है, मर गया है। ऐसा जब मैंने देखा उनको कहते हुए, तुरंत मैं घर के भीतर गया और देखा कि वो अपने गोद में लेकर चिल्ला रही है। तुरंत हमारी आत्मा पवित्र आत्मा ने कहा कि जल्दी देर मत कर, तू डर मत, शैतान ने इन्हें डरा कर रखा है, तू डर मत। और मैंने तुरंत क्या किया, उनके गोद से उस बच्चे को लिया, और जहां मैं प्रार्थना नित्य करता हूँ वहां पर लेकर गया, और सबको कहा सब लोग मेरे पीछे आओ। प्रभु की आत्मा ने कहा, जो बार बार प्रभु की आत्मा कहती है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करने वाला, तुझे मजबूत करने वाला, यानी तुम्हें दृढ़ करने वाला, तुम्हें कमजोर होने नहीं दूंगा। और कहता है मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर उस जगह पे मुझे संभाला, कहा डरना मत, जो तुम्हें काम करना है वो काम कर। केवल विश्वास रखा रहा, अंदर से आत्मा बोल रही है। मैं तुरंत लिया और वहां पर जाकर खड़ा हुआ और सबको कहा कि हमारे सामने हमारे साथ में खड़े होकर तुम सब भी प्रार्थना करो। मैं गोद में लिया और प्रार्थना करना चालू किया। उसका हाथ पैर जो है कि वह झूल रहा है, वह उसको मैं संभाल रहा हूँ। अभी 7-8 महीने का बच्चा था, संभाल रहा हूँ, गोद में लिया हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ।
और आखिर मेरी बंदे में प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करते करते 10-15 मिनट बीता, सब लोग जो है कि रोकर चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी माँ चिल्ला रही है, उसको कहा प्रार्थना जीवन से आ रही है क्योंकि शैतान ने डरवा दिया, पिताजी को भी शैतान ने डरवा दिया और बाकी लोग जितने लोग खेत में थे सब लोग हम सब मिलकर जो कि प्रार्थना करना चालू किए। 10-15 मिनट प्रार्थना करते 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 अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा अपनी आंखें खोल से देख, और मैं जेवी आंखें खोला और उसके चेहरे पे मेरी नजर पड़ी और मेरे आंख से आंख जेवी उसकी टकराई। तब तक क्या होता है, तुरंत प्रभु का स्पर्श होता है, वह लड़का चिहुकता है और तुरंत हाथ पांव फेंकता है और रोना चालू कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर काश मैं भी डर गया होता तो वह बच्चा जो है कि फिर दोबारा मिला नहीं होता। काश वह याइल डर गया होता तो उसकी बेटी जिंदी नहीं होती। काश उसी प्रकार मैं भी डर गया होता, उस पवित्र आत्मा की नहीं सुना होता। अगर शैतान की आत्मा को सुनता तो मैं भी क्या होता, उसको खो देता। क्योंकि एक एक तरफ से वह शैतान की आत्मा डरवा रही है, अरे तो मर गया कुछ नहीं हो सकता, उधर से पवित्र आत्मा कह रही है कि नहीं तो केवल विश्वास रख, डर मत, हिम्मत बढ़ाए रख। मैंने हिम्मत से उसके लिए क्या किया, जो काम करना होता है वही मैंने विश्वास से काम किया, प्रार्थना किया और जब मेरे नजर से उसका नजर टकराया तुरंत वह चौंका और अपना हाथ पांव फेंका और तुरंत रोना चालू किया। मेरे प्यारे भाइयों, इसके पहले जब मैं प्रार्थना करना स्टार्ट किया ना, शैतान तो ऐसा कर दिया कि जो थोड़ा बहुत प्राण उसके अंदर बचा था, कहा जाता है, सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जब आखिरी प्राण निकलता है तो या तो मुंह के बगल निकलता है या टट्टी के रास्ते से, ऐसा ही सुनने में आता है ना, मैं तो यही सुनता है। और क्या हुआ कि जब मैं उसे एक गोद में लिया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि जैसे पेशाब होती है उस तरह उसको टट्टी होती है, यानी जो भी बचा कुचा यानी प्राण था वो भी निकल गया। शैतान डराने के लिए ऐसा किया कि मैं अब प्रार्थना क्या कर रहा है, अब तो ये खत्म हो गया, जो भी बचा कुछ प्राण खत्म हो गया। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान न दिया बल्कि प्रार्थना की तरफ ध्यान दिया, अपने सच्चे परमेश्वर की तरफ ध्यान दिया और परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को उसके अंदर से भगाया, उसकी आत्मा फिर से वापस डाली और उसे पूरा जिंदा कर दिया। हालेलुया। और वही बच्चा जिसको प्रार्थना थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, दवा बिल्कुल काम नहीं करती थी, उसी दिन के बाद उसे जब भी प्रार्थना किया जाता था और जो दवा दी जाती थी, अब दोनों चकाचक काम कर रही है। 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए आज प्रभु की आत्मा सुबह सुबह जब मैं उठा प्रार्थना के लिए तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज याद दिलाया कि हर एक मनुष्य के भीतर ये डर वाली जो आत्मा है वह समाई है, जिसको ना तो जो आत्मा ना तो इन्हें चंगा करने देती है, ना कोई विपत्ति से मुक्त होने देती है, ना इन्हें इनके जीवन में खुशियां देती है, ना कुछ देती है। जो इनके जीवन में इच्छाएं होती है वो पूरा नहीं होने देती है। इसलिए आज इनके लिए वचन सुना ताकि इनके अंदर का जो भय समाप्त हो, कि जब भी विश्वास से निडर होकर मेरा नाम ले और मुझसे कुछ मांगे तो उन्हें मिल सके, जो भी आशीष मैं देता हूं इनके पास पहुंचे और इनके जीवन में समस्या। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बनो, एक गवाहियां तो और है लेकिन समय काफी है, मैं थोड़े में बता रहा हूँ उस दवाई को। दूसरी गवाही मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन में था उस सन, उसी समय के लगभग उसी समय की बात है, 2014 की आसपास की बात है। और मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसको उसकी डिलीवरी होने वाली थी और लगभग 1-2 हफ्ते रह गया था। और तब तक क्या हुआ कि उसकी हालात खराब हुई, उसके पेट में अजीब ढंग का दर्द चालू हो गया और कुछ लोग जो थे कहे कि भाई ले जाओ इसको, इसका जो कि अल्ट्रासाउंड कराओ तो पता लगेगा कैसा है, क्या माहौल है। मैं इसी सैदपुर के अंदर आया, उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में क्या निकला कि इस बच्चे की दिशा जो है उल्टी है, बच्चे की दिशा उल्टी है और ये बच्चा जो है कि अजीब ढंग की दिशा में है और डिलीवरी होते समय बहुत काफी कष्ट है। वह रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये रिपोर्ट है।
फिर डॉक्टर ने उसकी उनकी हालत को देखकर क्या कहा, कहा भैया पहले ब्लड टेस्ट कराओ। मैं ब्लड टेस्ट करवाया, जितना ब्लड टेस्ट जितना होता है सब कुछ टेस्ट किया। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर हैरान होकर देख रहा है, कहा भैया अब समय नहीं है, लगभग एक ही दो हफ्ता का समय है और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि ब्लड टेस्ट से मालूम हो रहा है कि इनके अंदर तो खून बिल्कुल नहीं है, खून की खून तो बिल्कुल नहीं है और इनके शरीर के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल कम है, खून बहुत कम जो है कि क्षण में इनके शरीर के अंदर है। अगर 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 इनकी डिलीवरी का समय होगा तो अगर इनकी डिलीवरी की जाए तो नॉर्मल तो नामुमकिन है, नॉर्मल तो नामुमकिन है। अगर ऑपरेशन के लिए भी ले जाओगे तो ये रिपोर्ट कोई डॉक्टर देखेगा तो हाथ लगाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो सकते हैं, जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो सकते हैं, ऐसी हालात है। क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी बता रही है कि खून भी शरीर के अंदर कम और पानी भी शरीर के अंदर कम, ये बच्चा की डिलीवरी होगी तो कैसे? अगर पेट फाड़ा भी जाएगा, खून शरीर के अंदर नहीं है तो भी गड़बड़ है, कैसे होगा? अब वो शैतान ने उस रिपोर्ट के द्वारा और उस डॉक्टर के द्वारा क्या कर दिया, हमारे अंदर भय उत्पन्न कर दिया, हम डर गए। हम उस समय तो डर गए, अरे अब क्या होगा, काफी चिंतित हो गए और काफी चिंतित हुए। मैं सोचा किसी डॉक्टर से संपर्क करूं, कोई सलाह बताए, कोई डॉक्टर भी ओशा जो कि यहां पे था जो सलाह देने वाला, ऐसा ही सलाह देने वाला मिला। तो भाई अब होगा क्या? बहुत मैं निराश हो गया, अपनी पत्नी को लेकर मैं घर पे गया और घर पे गया, वहां पे पूरे परिवार से सारी बातें बताया, लेकिन हुआ क्या, मेरे बड़े भाई जो है वह कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है, जब ऐसा हो सकता है तो अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही काम होगा, हमारा प्रभु ही हमारे जीवन में कुछ कर सकता है, अब प्रभु ही कुछ कर सकता है। लौटने के बाद जो है कि कुछ ही एक दो घंटे के बाद शाम का समय हो गया, शाम के समय जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं वह समय आ गया और उस समय क्या हुआ, हम लोगों ने बात करके राय मशवरा करके यही कहा कि अब हम प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना चालू हो गई, जब आधी प्रार्थना जो खत्म हो गई, आधी प्रार्थना समाप्त तो होती है तो होता क्या है कि मेरी पत्नी भी उस प्रार्थना में शामिल थी। जब आधी प्रार्थना समाप्त तो होती है, प्रभु जो कहता है मैं लाचार बेबस लोगों की तरफ अपना मुंह घुमाता हूँ और अपना काम लगाता हूँ और अपनी आशीष देने के लिए अपना रूप खोलता हूँ, तो परमेश्वर ने हमारी लाचारता व्यवस्था हमारे विश्वास को देखा और उसने क्या किया, जब आधी प्रार्थना खत्म हुई तो आधी प्रार्थना जाते जाते क्या हुआ कि मेरे पत्नी के पेट में एक भयंकर दर्द उत्पन्न हुआ, एक भयंकर दर्द, ऐसा दर्द, वह दर्द के मारे जो है कि काफी तकलीफ में है, लेकिन सबकी निगाहें उसकी तरफ जा रही है, लेकिन कोई प्रार्थना बफ नहीं कर रहा है, सब प्रार्थना में लगे हैं, ये और आए गए प्रार्थना में लगे रहो, उसकी तरफ ध्यान दो मत दो, क्योंकि ध्यान दोगे शैतान फिर काम करेगा, डर उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। हम सब प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना समाप्त होते होते क्या हुआ, दर्द भी समाप्त हो गया। हालेलुया। फिर क्या हुआ, गांव के बगल में एक दाई है जो कि डिलीवरी कराती है, हर उनको जो कि डिलीवरी के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है। मैं क्या बोला कि उनको उनको गया दौड़कर उन्हें बुला कर लाया, कहा भाई चेक करो, देखो क्या दिक्कत थी, क्यों दर्द हो रहा था, क्या परेशानी। जब उन्होंने पूरी तरह से चेकअप किया, सब कुछ चेकअप किया, चेकअप करके कहा, जब मैं उसको सारा बात बताया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, बच्चा भाई वो जो कि अपने जगह पे नहीं है, वह बिल्कुल जो है कि ऐसे जगह पे है कि डिलीवरी नहीं हो सकती, जब वो चेकअप करके बता रहे तो क्या कर रही है, वह डॉक्टर को दो चार गाली देते हुए कह रही है कि कौन डॉक्टर का आलस है कि ऐसा है, बच्चा तो जहां रहना चाहिए वो सही सलामत अपने स्थान पे पड़ा हुआ है और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालेलुया। अब भैया जब ये सुने तो हम जो है कि अवाक हो गए, अरे ये क्या हो गया, और उसे अपनी पत्नी से भी पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम में है। क्या हो रहा था, यीशु मसीह ने देखा, हमारे दुख को देखा और हमारे अंदर के विश्वास को देखा, तो क्या कर रहा था, जो डॉक्टर कर नहीं सकता वो प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह बच्चे को जहां रहना चाहिए वो घुमाकर कर रहा था, इसलिए दर्द हो रहा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी का दिन आया, उस समय भी शैतान, डिलीवरी का समय आया, उस समय क्या हुआ कि सब कुछ
बढ़िया बढ़िया चल रहा है, दर्द पीड़ा है, सब कुछ सही सही है, डिलीवरी का समय भी निश्चित सही सही पे है। और क्या हुआ कि जब दाइयों को मैंने बुलाया घर पे, क्या हुआ कि भाई चेकअप करो कहाँ के लाए थे, यहाँ पे हो जाएगा, नॉर्मल की हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उन लोगों ने चेकअप किया, सब कुछ सही है, कहा कि नहीं भाई कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, हम लोग संभाल लेंगे, यहाँ संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, डिलीवरी चालू हो गई, डिलीवरी हो रही है। क्या हुआ कि बच्चा जो है कि पैर के बगल से पैदा हो रहा है, और पैर के बगल से पैदा हो रहा है, उसकी आधी शरीर बाहर और जो इसका गला है उस फंस गया। किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से वह बच्चा पूरी तरह से पास नहीं हो रहा था, और सबका जो है कि तलवा सूखने लगा कि अब क्या होगा। सच में जो डॉक्टर ने कहा पानी शरीर के अंदर नहीं है, सच में पानी की कमी है शरीर के अंदर, बच्चा पास होगा तो होगा कैसे, कैसे हो सकता है, बच्चा भी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था, कैसे होगा। हैरान हो गए, चिल्लम चिल्ला मचाना चालू हो गई, जो दाई थी उनमें से एक विश्वासी थी, वह चिल्लम चिल्ला मचाना चालू हो गई, अरे भैया अब क्या होगा, गाड़ी करो लेकर चलो, लेकर चलने में भी दिक्कत परेशानी है, क्या होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे ले जाएंगे, बहुत काफी संकट आ गया, बहुत काफी दिक्कत, बहुत काफी परेशानी, सब लोग हैरान, सब लोग चिंता में, सब रोने लगे। मुझे भी डर समा गया, मैं भी जो है कि एक जगह पे बैठकर मैं भी रोना चालू किया। तब तक क्या हुआ, अंतरात्मा ने उठाया, कहा कि डर मत, बल्कि क्या कर, तू अपना काम कर, प्रार्थना कर। मैं डॉक्टर को भी फोन करके बुला दिया था, डॉक्टर जो है कि दर्द का इंजेक्शन लगाया, सोचा कि नहीं दर्द का इंजेक्शन लगेगा तो पीड़ा के मल्ले क्या होगा कि बच्चा पास हो जाएगा। एक नहीं चार चार इंजेक्शन लगा, दर्द का चार चार इंजेक्शन लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हालत में बेकार है, हुआ क्या, और जब पूरा परिवार मिलकर सब लोग प्रार्थना करने लगे, वह दाई जो विश्वासी थी वह भी वहीं पे प्रार्थना कर रही है, वहां उसकी डिलीवरी भी करा रही है, प्रार्थना भी कर रही है, वहां वो प्रार्थना कर रही है, हम लोग घर में आंगन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के दौरान 2 मिनट नहीं बिता कि प्रभु ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। हालेलुया, सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया, आराम से बच्चा पास हुआ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ के स्वस्थ। डॉक्टर हैरान हो गया जब उस ऐसी घटना देखा, वो सोचा कि भाई अब दोनों परेशानी में होंगे, अब तो मैं फंस जाऊंगा, वो पसीना पसीना हो गया था, कांप रहा था डर के मारे। हम लोग प्रार्थना करने लगे, वो प्रार्थना को देखकर और कांप रहा है, सब क्या करने लगे, हमारी प्रार्थनाओं को देखकर हम सबसे प्रार्थना चिल्लाकर करने लगे, फुल आवाज में चिल्ला रहे हैं, अब वो डरने लगा कि इनको क्या हो गया, अब वो कांप रहा है। तब तक उधर क्या हुआ, संदेशा मिला कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करिए क्योंकि बच्चा अच्छे से पास हो गया है। जब हम सब लोग धन्यवाद करने लगे, तब तक हर एक के ऊपर, जितने परिवार के लोग थे, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आकर उतरने लगी, जो जहां फेंकार आए तो तहां फेंकार आए, कोई ईश्वर फेंकार आए, कोई हनुमान पर उससे फेंकार आए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये डॉक्टर ऐसे कहो हराम मारे भैया ही कहा जीना तुमको, अरे तुम तो अलिया में लड़ा था तो कौन हंडवंडिया में जाके लड़ा था, ये कहा हो गया। तब तक जब हम लोग शांत हुए, तो जब शांत होकर खड़े हो गए, उसके बाद हम लोग का मुंह देख रहा है, कहा देख रहा है कि वो क्या गया, तो हम उसको समझाए भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु कहता है जब तुम विपत्ति में पड़ते हो अपने घुटने को टेक कर मेरी आराधना करो, मैं विपत्ति के दिन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। हालेलुया, मेरे प्यारों, जब उस समय अगर हम डर गए होते, हमारा परिवार डर गया होता, न बच्चा हाथ में आता और न जच्चा हाथ में आता, यानी माँ बेटे दोनों हाथ में नहीं आते। परमेश्वर ने क्या किया, आशीर्वाद में एक सुंदर बेटा देकर आशीष दिया।